नमस्कार, मेरा नाम है ललिता नेथानी और आप सबका स्वागत है हॉलीवुड न्यूज में। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए उत्तराखंड संगीत जगत की कुछ ताजा तरीन खबरें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहली खबर की। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ के निवासी गर्व से कहते हैं हम पहाड़ी हैं। ऐसा ही एक वीडियो गीत जो इन दिनों उत्तराखंड की झलकियाँ दिखाता नजर आ रहा है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध स्थलों का जिक्र भी इसमें देखने को मिलेगा। क्यों हम पहाड़ी वीडियो गीत भी कुछ ऐसी ही कहानी को दर्शाता है। इसको अंकित बुढ़लकोटी ने गाया है और लिखा भी है। शैलू ने अपने संगीत से इसे सजाया है और गीत का निर्देशन सर्वेश चौधरी ने किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सोल ने इसे फिल्माया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप भी यूट्यूब पर जाएं और इस वीडियो को देखें। बात करते हैं दूसरी खबर की। रोहित चौहान का नया वीडियो गीत बरेली को झुमका यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है। ये वीडियो गीत रिलीज होते ही लाखों दर्शकों की पसंद बन गया है। आपको बता दें कि रोहित चौहान वो नाम है जो युवाओं की प्लेलिस्ट में आज टॉप पर है। बरेली को झुमका गीत कल्पना चौहान ने लिखा है और गीत को संगीत से गुंजन डंगवाल ने सजाया है। गीत में आकाश नेगी और नताशा शाह को कास्ट किया गया है। आपको बता दें कि गीत का निर्देशन अब्बू रावत ने किया है और क्रिएटिव गुड़बक ने इसे फिल्माया है। तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप भी इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। जागर सम्राट डॉक्टर प्रीतम भटवाण उत्तराखंड के शिरोमणि हैं, जिन्होंने ढोल सागर को विश्व में पहचान दिलाई। इनके लोक संगीत के प्रति समर्पण को देखते हुए भारत सरकार ने कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया है, जो संपूर्ण उत्तराखंड वासियों के लिए वो पल गौरवपूर्ण थे जब राष्ट्रपति भवन में जागर सम्राट को देश के महामहिम राष्ट्रपति ने सम्मान से नवाजा था। बीते दिनों हरिद्वार स्थित सिद्धपीठ कुंजापुरी में जागर सम्राट प्रीतम भटवाण अपने नए गीत माहेश्वरी जागर की शूटिंग में नजर आए। माहेश्वरी जागर प्रीतम भटवाण द्वारा ही रचित है, जिसमें संगीत और ढोल की थाप भी उन्होंने ही दी है। गिंजाली फिल्म से ये जागर 12 सितंबर को रिलीज होगा। बता दें कि माहेश्वरी जागर का फिल्मांकन अरुण फरासी ने किया है। जागर में भीमा जागर के अभिनेता राय सिंह रावत और अभिनेत्री सुषमा व्यास और ज्योति रावत समेत कई अन्य कलाकार भी नजर आएंगे। तो ये वीडियो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन करता एक गीत जल्द ही संगीता ढोंडियाल की आवाज में सुनने को मिलेगा। हाल ही में संगीता ढोंडियाल ने अपने फेसबुक पेज में रमझमा गीत का पोस्टर रिलीज किया, तो वहीं पोस्टर रिलीज होते ही दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि काफी समय के अंतराल यानी रे मालू के बाद संगीता ढोंडियाल रमझमा गीत को आवाज दे रही है, जिसे रणजीत सिंह ने अपने संगीत से सजाया है और वीडियो का निर्माण पहाड़ी दगड़ा प्रोडक्शन कर रहा है। दर्शकों को ये गीत YouTube पर अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। देहरादून में सूर्यपाल श्रीवान के नए वीडियो गीत पिंक प्लाजो की शूटिंग पूरी हो चुकी है। गीत को सूर्यपाल श्रीवान और अनिशा रंगन ने आवाज दी है और राज टाइगर ने गीत में रैप का तड़का भी लगाया है। आपको बता दें कि युवा संगीतकार शैलेंद्र ने इस गीत को संगीत से सजाया है। वीडियो में प्राची पवार और सुनील गरवान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वीडियो का निर्देशन अजय भारती ने किया है और छायांकन युवी नेगी ने किया है। आपको बता दें कि इसमें कोरियोग्राफी सीमा भारती ने की है। अब देखना होगा कि सूर्यपाल के और गानों की तरह ये गाना हिट होता है या नहीं। तो आज के एपिसोड में मेरे साथ इतना ही। जल्द मुलाकात होगी उत्तराखंड संगीत जगत की कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक हॉलीवुड न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।